तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया है कि हम युवान को रिवील करेंगे, मतलब आज आप हमारे गोलू को देख ही लोगे। तो गाइस मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको युवान को दिखाने के लिए। और हमने अगले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हम युवान को दिखाएंगे, पर हमें टाइम नहीं मिला। और हाँ, सहवाग रिद्धि का बेबी है तो ऐसे ही थोड़ी चद्दर उठाएंगे और आपको फेस दिखा देंगे, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल, सब राज्य खुश है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सहवाग और रिद्धि के बच्चे का फेस, और साथ ही जानेंगे कि इनका बच्चा कैसा दिखता है और सहवाग और रिद्धि ने अपने बच्चे के बारे में क्या क्या कहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन सहवाग और रिद्धि के बच्चे को देखने से पहले हम इनकी लव स्टोरी जान लेते हैं, और उसके लिए हमें चलना होगा थोड़ा रिवर्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सहवाग का जन्म 1 अक्टूबर 2005 को गुजरात के एक गांव में हुआ। ये काफी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें इनके मम्मी पापा के साथ एक बड़ी सिस्टर भी है जो कि मैरिड है। सहवाग स्कूलिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10th तक ही पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। ये अपने दोस्तों के साथ अक्सर इधर उधर ही घूमा करते थे, जिस वजह से इनकी मुलाकात इनकी वाइफ रिद्धि से हुई। इनकी ये लव स्टोरी जानने से पहले जान लेते हैं रिद्धि के बारे में भी। रिद्धि का जन्म 9 दिसंबर 2006 को अहमदाबाद के एक गांव में हुआ। ये भी काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि स्कूलिंग कर रही थी। जब से इनकी शादी हुई, इन्होंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया और आगे बढ़ने का कोई भी प्लान नहीं है। इनको पढ़ाना और इनके करियर के लिए अवेयर करना इनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने ऐसा न करके इन दोनों की शादी करा दी। तो जान लीजिए ऐसी क्या बात थी जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी कर ली। ये लोग गुजरात अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जहां ये लोग शादी से पहले अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रहे थे। इसी बीच इन दोनों को प्यार हो गया और फिर इन दोनों ने सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दूसरे से शादी कर ली। दरअसल हुआ ये था कि ये दोनों ही अपने होम टाउन की एक जगह पे घूमने आए थे, जहाँ पे सहवाग ने रिद्धि को पहली बार देखा था। तब फिर 15 साल के सहवाग को रिद्धि से पहली नजर का प्यार हो गया, जहाँ फिर वो रिद्धि के पास अपना मोबाइल नंबर फेंक कर चले गए। रिद्धि ने भी सहवाग का मोबाइल नंबर उठा लिया और फिर ये दोनों बाद में मोबाइल पे बात करने लगे और फिर ये बाद में घूमने फिरने भी लगे। ये बात थी लॉकडाउन के पहले की, जब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। लेकिन तब इंडिया में फर्स्ट वेव पे लॉकडाउन लगा, तब इन दोनों का घूमना फिरना हो गया बंद। और लॉकडाउन के इतना ज्यादा चलने से इन दोनों का घूमना फिरना और आपस में मिलना बंद हो गया था। और फिर इन्होंने अपने शहर के एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों के पेरेंट्स, मतलब उनको इनसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने इन दोनों के डिसीजन को एक्सेप्ट किया और इन दोनों की ये चाइल्ड मैरिज भी एक्सेप्ट कर ली। अब शादी तो कर ली और पढ़ाई भी नहीं की, तब फिर इन्होंने भी वही किया जो बाकी निब्बा निब्बी करते हैं, सोशल मीडिया पे कपल गोल। इन दोनों ने इंस्टाग्राम पे कपल रील वीडियो बनाने शुरू कर दिए और तब फिर इनका एक रील वीडियो वायरल हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि यूट्यूब पे रोस्टर के हाथ लग गया, जिन्होंने इन्हें इतनी कम उम्र में शादी करने को लेकर जमकर रोस्ट किया। और ज्यादातर लोगों को इनकी उस वीडियो को देखकर काफी शॉक लगा कि कोई इतनी कम उम्र में शादी कैसे कर सकता है, और साथ ही इन्हें काफी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म का भी काफी सामना करना पड़ा। और फिर ये नेगेटिव पॉपुलैरिटी ही सही, लेकिन ये पॉपुलर हो गए और फेमस होने के बाद इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिस पे आज ये व्लॉगिंग करते हैं। और उस पर इन्होंने अनाउंस किया है कि ये जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं, और ये लोग अपने बचपन में ही एक बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, सहवाग और रिद्धि के बेबी सी सेक्शन में हुआ है, जो कि बहुत क्रिटिकल होता है। सहवाग और रिद्धि के नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है। बाकी सहवाग और रिद्धि आज बहुत ज्यादा खुश है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों, अब देख ही लेते हैं इनके बच्चे का फेस। तो दोस्तों, इन्होंने अपने बच्चे का फेस रिवील एक डिब्बे में बंद करके किया है। तो गाइस, यहाँ पे तो सभी लोग बोलते हैं कि गोलू मेरे जैसा दिखता है, वो मेरे जैसा ही दिखता है, पर उसकी हरकतें उसके पापा जैसी है। मतलब बहुत ही शांत है वो और बहुत ही प्यारा बच्चा है हमारा। और बहुत ही प्यारा बच्चा है और बहुत ही शांत बच्चा है, बिना बच्चे रोता नहीं है। जब उसको भूख लगती है तभी रोता है और हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता रात के टाइम से। मतलब रात के 10-11 बजे सो जाता है, तो जब उसको भूख लगती है तभी उठता है और खाना खा के सो जाता है। बहुत ही प्यारा बच्चा है हमारा। तो Thank you.
वेल दोस्तों, करियर बनाने की उम्र में ये लोग अपने बच्चे का फेस रिवील कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने वीडियो देख ली है यहाँ तक और नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। हमारी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में।